तो दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ इक्विपमेंट प्लाजा डिंडोली में, और एक दोस्त को अपने कारखाने के कारीगर है चंद्रकांत पाटिल वो आ रहे हैं पीछे, उनको मकान लेना है यहाँ डिंडोली में, तो उनको मकान दिखाने के लिए आए हैं। और ये आ रहे चंद्रकांत पाटिल, चेहरा दिखाओ भाई, मास्क भी उल्टा पहना है, ये चंद्रकांत पाटिल। तो अभी हम जय गोपाल वाले के पास आए यहाँ, चाय वाय पीते फिर निकलते हैं मकान देखने के लिए, और बने रहिए वीडियो में। अगर आप वीडियो में नवे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बने रहिए वीडियो में, देखते आगे क्या। ये है यहाँ का इक्विपमेंट प्लाजा, और हमारी बाइक वहाँ खड़ी है, और ये है यहाँ का जय गोपाल चाय। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, देखते हैं भी वो भाई जिसके साथ जाना है हमको आ रहे हैं रास्ते में, तो आएंगे तो निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। मन आ रहे भाई, अरे दोस्तों। तो दोस्तों अभी ऐसा है कि गर्मी लग रही है तो चाय कैंसिल कर दी, अभी सोया जूस पी लेते हैं, अभी नीचे गन्ने की लाड़ी का जूस बन गया, जूस पी लेते। और ये है पीछे का एक पंडित पागा अरुण पाटिल बैठे हैं आप, यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये आ गए अपना जूस, जूस पी लेते फटाफट पी लेते। तो चलिए दोस्तों ये आगे हम मकान देखने के लिए, ये सोसाइटी है डिंडोली आवास के बिल्कुल पास में ही है, और ये अंदर घुसते ही देखिए ये हॉल है, ये तो पीओपी पहले जिसने बनाया है उसने करवा के रखा है पीओपी, हमको तो बनवाना पड़ेगा अलग से। और अंदर जाते ही ये बेडरूम, ये भी जिसने तैयार किया, सिंपल फ्लैट है दोस्तों, और ये फर्नीचर भी उनका लगाया हुआ है यहाँ पे। कबाड़ भी बना के मिलेगा कि नहीं, 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 इस तरह से अलग से बनाना पड़ेगा भाई, सिंपल बना के छोड़े हैं। आपको इस तरह का मकान बनाना है, आपको देखो मकान ऐसा बनेगा। ये बाथरूम, टॉयलेट, ये किचन, ये किचन है, वीडियो बना लो ना, चलेगा, बना लो ना भाई, उसमें क्या बनने वाला। किचन भी सेम ऐसा बना के मिलेगा, नहीं बना के सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा, अरे वो किचन किचन बना के देगा अपने को, फर्नीचर फर्नीचर आपको कराना है, क्यों सिंपल ही बना हुआ है, चाहे कोई भी दिखने आवे भाई तुम्हारे के, मतलब भाई तो भाई सही है ना, वो तो आपके ऊपर आधार है। ये पीछे टॉयलेट निकाला हुआ है, ऊपर कहीं आएगा, आइए आपका जो देखो पतंग है सब, ये बना। तो दोस्तों ये है मकान, और ये मकान के बैक साइड में, बैक साइड है ये मकान का। ऊपर बनाया है, पीओपी कराया हुआ है कि ये पीओपी कराया हुआ है ना, पीओपी करे ले आया लगता है, आप ले पूरा प्लेन मकान मिलेगा उसमें। ये देखो ये बना वो दोस्तों, ये है मकान, देखा आपने, ये इधर जैसे एंटर होते अंदर, और ये बेडरूम, और ये आगे का जो हॉल है मेन हॉल, इसमें भी पीओपी वगैरह सब कराया हुआ है, ये मेन हॉल है, ये बैठने का सोफा वगैरह सब है, और ये बाहर निकल के अंदर बाहर सब काम चालू है मकान का। बंद है पीछे से टेरेस, और ये टेरेस इस मकान का, यहाँ दरवाजा यहाँ से ऊपर आएगा सीधा टेरेस है, और ये पीछे बढ़िया है, सामने सब खेत वगैरह भी है, दिखाते हैं अभी आपको आगे जाके, सामने सब खेत भी है। और ये यहाँ पे खेती बाड़ी भी हो रही है, सब खेत बने हुए बाजू में,
तो व्यू देखने में दोस्तों अच्छा तो लग रहा है, बहुत बढ़िया लोकेशन में मकान है, शांति ऐसा। और ये पीछे बेस्तान आवास भी है, जो टावर दिख रहे हैं पीछे बेस्तान आवास, और लोकेशन एकदम सही जगह पे है, शांत है एकदम, नो टेंशन। रात पहले भी करके आया तो नो टेंशन, आराम से सो सकते हैं। तो लोकेशन तो एकदम सही जगह, और ये पीछे भी अभी काम चालू है, और वो पीछे बेस्तान आवास है, पीछे जो दिखा रहा हूँ मैं, वो जो बिल्डिंग अपार्टमेंट सब दिख रही है आपको, वो सब बेस्तान आवास है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, देखते हैं अभी उनको पसंद आएगा तो वो लेंगे। और इधर सामने की साइड जाएंगे तो सामने की साइड भी बहुत हरियाली है, यहाँ भी मकान का काम चालू है और सब खेती है, आगे दूर दूर तक नो टेंशन, सब खेती बाड़ी। लोकेशन एकदम सही है दोस्तों। तो चालू है ना आसत दर ठेवाना बरोबर, और ओढणा आणि तो तलाव ना फोटो घ्यायला पाहिजे, देख जरा पाळायला नाही पाहिजे, रो आणि तलाव कोणीच ना फोटो तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और अभी रात के बज रहे हैं 11, हमने खाना वाना खा लिया है, और आज तो हमारा गुरुवार छुट्टी का दिन था, फिर भी हम गए थे। जैसे कि मैंने दिखाया मेरे कारखाने में जो एक कारीगर है उनको मकान लेना था, तो उनको मकान दिखाने के लिए गया था डिंडोली के अंदर, बेस्तान आवास के पास नया अपार्टमेंट बन रहा है। अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो पे नवे हैं, मेरे चैनल पे नवे हैं, तो जाने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके इस भाई को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, और हमारे भी कुछ लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों। और हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि दोस्तों जैसे हम दिन भर हम काम भी करते हैं, जैसे वीडियो में आपने देखा होगा कि हम क्या काम करते हैं, संचार कारखाने के अंदर सुपरवाइज़र हैं, और वहाँ पे जो हम काम करते हो तो आपने देखा है। तो काम के साथ साथ दोस्तों डेली व्लॉग नहीं बना पाता हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार डेली व्लॉग नहीं बनाता है, तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा काम ऐसा है कि डेली व्लॉग नहीं बना सकते, फिर भी कोशिश करता हूँ जब भी वक्त मिलता है वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो आज का अच्छा लगा हो, अगर आप लोग जो सोसाइटी मैंने देखा या वीडियो में अगर आप उधर मकान लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर ट्विटर पे भी मुझे ट्विटर लिंक भी मैं दे दूँगा, उसमें भी आप ये कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो का एंड यही करते, गुड नाइट, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और वैक्सीन जरूर लीजिए। इसी के साथ इसी वीडियो का एंड करता हूँ, गुड नाइट, शुभ रात्रि।